नेक्स्ट क्वेश्चन दो हजार के नीट का सवाल है क्वेश्चन है कि मास एम इज अटैच टू अ थिन वायर एंड वर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक वन पहला ऑप्शन है इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल मास इज एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन नंबर सी है मास सॉरी द वायर इज हॉरिजोंटल और थर्ड ऑप्शन है द मास इज एट द लोएस्ट पॉइंट नाउ जैसे कि अपने को पता है सिर्फ फॉर एग्जाम्पल uh, ये मान लीजिए अपना पार्टिकल है जो कि वर्टिकल सर्कल मोशन कर रहा है सो so, इसको मोशन को जब हम वर्टिकल सर्कल करवाएंगे पार्टिकल को इसकी टेंशन हाईएस्ट होती है मोस्ट जब ये टेंशन रस्सी में आएगी वो होगी लोएस्ट पॉइंट पे तो अगर ये पार्टिकल जब सर्कल कर रहा है सर्कुलर मोशन कर रहा है अगर किसी एक जगह पर टूटेगी तो वो होगी लोएस्ट पॉइंट एट हैंस ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर नाउ टू गिव यू मोर डिटेल ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन से फॉर एग्जाम्पल ये आपका पार्टिकल यहाँ पे इस वर्टिकल मोशन कर रहा है ये यह यहाँ से आर रेडियस है और पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू हुआ है और कंप्लीट कर लेता है अपना मोशन सो so, कोई भी पार्टिकल जब लेट्स से किसी एंगल थीटा पे है तो इस लोकेशन पे हम टेंशन को लिख सकते हैं इट विल बी एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा ठीक है uh, वी उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और थीटा उसका इंस्टेंटेनियस एंगल है सो एट द लोएस्ट पॉइंट यहां पे जब हम बात कर रहे हैं इस जगह पे आपका थीटा की वैल्यू जीरो होएगी यानी कि कॉस थीटा वन होएगा और टेंशन विल बी हाइएस्ट uh, जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे होएगा यहां पे इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्योंकि इस जगह पे आके एंगल आपका अब वन डिग्री हो जाएगा इसलिए कॉस्ट सीटा में वी विल यूज 180 डिग्री और एट द सेम टाइम को सीटा की वैल्यू माइनस वन हो जाएगी सो so, टेंशन उस पॉइंट पे हो जाएगी एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी सो उस पॉइंट पे लोएस्ट टेंशन होती है जस्ट इन केस अगर अपने को नेक्स्ट टाइम कैलकुलेशन करनी पड़ जाए सो दिस विल बी वेरी हैंडी फॉर यू